हेलो नमस्ते जैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट लॉग्स। तो गाइस अभी हमें उपसी में और ये अपनी साइकिलें सारी रेडी कर लिए। कल रात को हम जो रुके थे पीछे वाली जगह, यहाँ पे हम कल रात में रुके हुए थे, यहाँ लगाए थे हमने टेंट और यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी, बट हाँ टेंट लगा लिया था, सारा काम अपना हो गया था। और इधर से साइड में उधर की तरफ बाथरूम बने हुए थे, तो उधर फ्रेश होके आ गए थे। और ये अपनी साइकिल है, ये बाइक की साइकिल है, और वहाँ मुस्तफा खड़ा है, उसकी भी साइकिल रेडी हो चुकी है। और सामने होटल में हमने अभी खाना खाया, नाश्ता किया। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं कारू के लिए। कारू यहाँ से 14 किलोमीटर है। यहाँ पे नेट नहीं है यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और वीडियो काफ़ी सारे पड़े हैं पेंडिंग, तो वो अपलोड करना है, इसलिए हम जा रहे हैं कारू। 14 किलोमीटर है, वहाँ रुकेंगे, अपने कपड़े वपड़े सारे धोएंगे, रेस्ट करेंगे, एक दो दिन का रेस्ट लेंगे वहाँ पे, एक आध दिन का। तो यहाँ से जा रहे हैं कारू, 14 किलोमीटर है, छोटी सी ट्रिप है। 12 एक कितने टाइम हो गया, 11 बज गए अभी, 11:30 बज चुके हैं। आराम से जाएंगे, 14 किलोमीटर है, पहुँच जाएंगे कभी एक दो घंटे, जितना भी टाइम लगेगा आराम से मज़े लेते हुए जाएंगे। तो अभी अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। और मेरे को यार सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, पता है, यहाँ पे सांस वांस की कोई इशू नहीं है, मेरे होंठ बहुत ज़्यादा फट रहे हैं। तो लद्दाख ट्रिप स्टार्ट किया, अभी तो होंठ ही फटे, पता नहीं क्या क्या फटना स्टार्ट होगा अभी आगे, अभी तो होंठ ही फटे हैं। तो होंठ का यार लिप बाम लेनी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा यार तो सूखे सूखे हो गए हैं, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, खून ना निकल लग जाए कहीं। तो अभी लेते हैं यहाँ से लिप बाम और फिर आगे एक ट्रिप स्टार्ट करेंगे। तो गाइस उपसी में यहाँ से दो रास्ते हो जाते हैं, एक तो चला जाता है हानले की तरफ, और ये मनाली से हम आए थे इस वाले रूट से, और ये वाला जो रूट है वो जाता है लेह की तरफ। हमें लेह की तरफ जाना है, कारू, कारू से पेंगोंग के लिए रास्ता मुड़ जाता है, हम कारू तक ही जाएंगे आज। लेह पहुँचे नहीं है, बट हाँ लेह पहुँच गए, 50 किलोमीटर है, आराम आराम से चल रहे हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब सब ठीक है, कल भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी, भाई भी अब ठीक है, इसकी तबीयत पानी अब ठीक है, इसको ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, और ये लौंडा तो अपना ठीक है ही, मैं भी आपके सामने ठीक ही हूँ, कोई इशू नहीं है अभी तक। आगे भी भगवान से दुआ करते हैं हमारी राइड ठीक रहे। सो गाइस स्टार्ट होती है अपनी एक और नए दिन की राइड। जय बोले, जय शंकर, मम्मी राइड अच्छी तरीके से करना। तो अभी हम निकल चुके हैं उपसी से, और यहाँ से कारू जा रहे हैं, और यहाँ पे वैसे उपसी में रहने की सारी व्यवस्था है, आप अगर अपना टेंट लगाना चाहते हो तो अपना टेंट भी लगा सकते हो, काफ़ी खुली जगह है, कोई इशू नहीं है, बाकी सब सही है, बढ़िया चल रहा है। जय हिंद भाइयों, ठीक हो, जय हिंद बोलते चलो, मज़े लेते चलो राइड के। तो गाइस कल जहाँ से हम निकले थे डेबरिंग से पहले आया था पांग से लेके सड़क है ना, मतलब ऐसा ही टू लाइन बना हुआ है, एकदम बढ़िया सड़क बना हुआ है, रास्ता बहुत सही था। और कल हम टाइम से पहुँच गए थे यहाँ पे उपसी, और उपसी में रुक गए थे फिर रात में, आपको बताया था पिछले वीडियो में कि भाई को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, अभी ठीक है सब। बाकी यहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ पौधे भी आ गए हैं, पीछे पेड़ पौधे नहीं थे, मतलब ये आने लगे थे रूम से के बाद पेड़ पौधे दिखाई देने लगे थे हमें। बाकी रात हो गई थी, कल तो यार बारिश बहुत थी, बहुत ज़्यादा बारिश, मौसम ख़राब हो गया था, इसलिए आपको कुछ भी दिखा नहीं पाए। अब आगे का सफ़र वापसी स्टार्ट किया था, अब सब कुछ आपको दिखाते हुए इन्जॉय करेंगे। भाई यहाँ से है ना झरना सा आ रहा था नीचे की तरफ, तो ठंडा ठंडा पानी भरने के लिए आ रहा है, एकदम ठंडा चिल्ड, बहुत ठंडा पानी यार, बहुत ही ज़्यादा ठंडा एकदम, भाई फ्रिज से निकाला हुआ पानी है, फ्रिज से निकाला हुआ और फ्रेश पानी, एकदम फ्रेश ताज़ा। तो भाई ये जो गांव था इसका नाम था ईगू, मतलब हरा भरा यार, पूरी यहाँ पे हरियाली तो पूरी है, और ईगू के नाम से जो पुल बने होते हैं ना गाँव में, वो उस गाँव के नाम पर ही बने होते हैं पुल, ईगू पुल। ऐसे ही पीछे हम रुके हुए थे उपसी में, तो वहाँ भी उपसी पुल था, इसी हिसाब से है जी। हरियाली यार, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है ना, हरियाली। भाई साहब क्या व्यू दिखा यार, बहुत ही बेहतरीन वाला सामने का नज़ारा, क्या जबरदस्त दिखा है ना। तो भाई अभी है ना मुस्तफा का गिर गया जैकेट, पीछे जैकेट पीछे बांध रखा, जैसे मैंने ऐसे कर रखा ना पीछे, तो इसको अभी ट्रक में भेजा वापस, थोड़ी देर देख के आएगा, इसकी साइकिल यहीं खड़ी है तो मुझे इसकी साइकिल के पास में खड़ा होना पड़ेगा, तो वो गया अभी। और बाकी यार यहाँ का व्यू क्या खतरनाक आया था ना, बहुत ही ज़बरदस्त वाला व्यू यार, मतलब देखते ही मैं दीवाना हो गया था इस जगह का। कारू मतलब पहुंचने वाले हैं, 2-1 किलोमीटर हो रहा है, ऐसे व्यू यार कहाँ मिलेंगे, ऐसे व्यू। लोग लद्दाख क्यों आते हैं, इसीलिए तो आते हैं इस शानदार से व्यू देखने के लिए यार, बहुत ही शानदार व्यू थे, बहुत ही शानदार। मतलब सड़क से उतर रहे थे, हमारे हाथ में फ़ोन हम पकड़ नहीं सकते थे, ढलान थी, बट यार ऊपर से तो क्या ही लग रहा था ना यार, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू, प्यार हो जाए ऐसा व्यू था। गाइस आपको एक चीज़ और दिखाऊं, बहुत प्यारी सी है, पहाड़ के ऊपर है एकदम यार, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो।
तो दोस्तों सामने देखो पहाड़ के ऊपर है ना त्रिशूल है यार, तो क्या ही प्यारा लग रहा है यार त्रिशूल। एक अकेला पहाड़ के ऊपर त्रिशूल इतना खतरनाक लग रहा है ना, इतना ही जबरदस्त। भोलेनाथ बम बम भोले, जय शंकर। तो ये मुस्तफ़ा भी आ गया है अपना जैकेट लेके, तो इसको वापसी भेजा था और ट्रक में गया, ट्रक में दूसरे वाले में वापसी चढ़ गया है। यार सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे पास ना, देखो इसके पास कितना ज़्यादा सामान है देखो, तो सामान की वजह से बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा सामान कहीं गिर जाता है, कुछ हो जाता है, और साइकिल चलाने में भी सामान की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। झूले जी झूले, पहुँच चुके हैं हम कारू, और ये कारू की मार्केट आगे की तरफ। अभी रुकने के लिए जगह देखते हैं, स्टे करते हैं पहले तो झूले, ये मस्त लग रहा है यार। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम करू, अभी पीछे दुकान है और ये साइड में घर है, इस घर में हम रुकने के लिए बात कर रहे हैं कि अंदर की साइड टेंट लगा लेंगे। बाकी वैसे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी जगह चल रहा है, वहाँ भी हमने पूछा था बट वो ये कह रहे हैं कि अभी मालिक नहीं है, मालिक आते हैं उनसे पूछते हैं तैयार। फिर थोड़ा जल्दी रुकना था, यहाँ रुकेंगे ना यहाँ फ़ायदा भी है, कपड़े वगैरह हम अपने धो लेंगे। तो अभी चाय वाय पीते हैं, चाय की दुकान है, भैया जी रहते हैं अंदर, तो चाय वाय पीते हैं, उसके बाद में अंदर रुकने का अपना व्यवस्था बन जाएगा। मस्त फर्स्ट क्लास बढ़िया यार। यहाँ पे ना मेरे को फर्स्ट दुकान दिखी है मिठाई की, पहली दुकान देखो, जलेबी मिठाई देखो यार, मुँह में पानी आ जाए, आज तो मिठाई खाएगा था आपका भाई, पक्की बात है। चाय बना रहे भैया, तीन चाय बना देना है। और ये भैया जी हैं दुकान के जो मालिक हैं यार, कहाँ से हो भैया आप? तो जम्मू से हैं। जम्मू से आके बताओ यहाँ पे मिठाई की दुकान खोली यार, मतलब किसी ने नहीं खोल रखी, आपने खोल रखी है, मेरे को ऐसा लग रहा है दुकान मिठाई की हमें दिखी नहीं ना एक भी, वहाँ से तो ना दिखी। पहली दुकान दिखी है, पहली दुकान दिखी है हमें लद्दाख रीजन में घुसने के बाद में, मिठाई की दुकान, मस्त मिठाई खाएंगे आज तो यार। तो भाई आ चुका है अपने जलेबी और लड्डू, आए किस खुशी में, आज है ईद, तो मुस्तफ़ा भाई ईद मुबारक, और सभी भाइयों को जो भी देख रहे हैं ईद मुबारक सभी को, तो इसी खुशी में मिठाई खाई जा रही यार, क्या ही बात है, जलेबी लड्डू, मुंह में पानी आ रहा, खा लेता हूँ फटाफट। भाई हमें तो पता ही नहीं था कि आज ईद है, हमें तो दिन का ही नहीं पता, आज मंडे संडे ट्यूजडे कौन सा है, भाई ने बताया भाई ईद है, तो ये मेरी तरफ से थैंक यू भाई, मिठाई मिल गई और ईद मुबारक, लव यू जी, खाते हैं। तो दोस्तों अभी नहा लिए हैं और कपड़े वपड़े अपने धो लिए हैं, यहाँ कारू में हम और भाई के लिए सिम लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सिम यहाँ पे पोस्ट पेड वाली चलती है, प्रीपेड वाली चलती नहीं है, अपने पास सिम है पर भाई पास सिम नहीं है, क्योंकि वीडियो भी तो अपलोड करने है भाई को, तो सिम लेने जा रहे हैं। तो एयरटेल और जियो की दो कंपनी के नेटवर्क बढ़िया रहते हैं यहाँ पे, बाकी तो BSNL के पता नहीं मुझे, क्योंकि हमारे पास जियो और एयरटेल है इसलिए। इधर भी आज सिर्फ पोस्ट पेड सिम चलता है कि वैसे वाला चल जाता है? मेरे पे ऑल इंडिया वाला भी चलेगा, ये जो मैं दे रहा हूँ ऑल इंडिया चलेगा, आपका वाला प्रीपेड होगा जो अपने स्टेट में चलेगा, हमारा मतलब इधर अपना जैसे दिल्ली का प्रीपेड है वो यहाँ नहीं चलेगा ना, इधर पोस्ट पेड चलता है खाली। तो गाइस यहाँ से सिम ले रहे हैं, जियो की सिम ले रहे हैं, जियो के नेटवर्क ठीक रहते हैं, और यहाँ पे ना सिम का एक लफड़ा भी है अपने उधर की, जैसे दिल्ली या फिर हरियाणा कहीं की भी दूसरे स्टेट की प्रीपेड सिम यहाँ पे नहीं चलती है, पोस्ट पेड चलती है। तो यहाँ से सिम ले रहे हैं यार, 500 रुपये की सिम है, एक महीने का रिचार्ज भी हमें मिल रहा है इसमें। ओके दोस्तों तो सिम ले लिया है, सिम 500 रुपये का मिला है, जिसमें एक महीने का रिचार्ज मिला है 1.5 GB पर डे, बहुत महंगा भाई, बहुत ही ज़्यादा महंगा मिला है सिम तो, बट लेना भी ज़रूरी है क्योंकि वीडियो भी अपलोड करने हैं, नेट की भी ज़रूरत है इसलिए। तो अभी चलते हैं वापस यार, टेंट वेंट लगाते हैं, खाना पीना बनाते हैं और सोते हैं, आज शायद बनाएंगे खाना पीना, और कल आपको वैसे कारू घुमाएंगे हम, खारू खारू KHARU खारू कल हम आपको घुमाएंगे, कल हम यहीं स्टे करने वाले, परसों निकलेंगे यहाँ से आगे पेंगोंग के लिए, तो कल यहीं स्टे करेंगे आराम से, यहाँ मोनेस्ट्री है और एक दो जगह और भी है, वो घूमेंगे, दिखाएंगे आपको कैसी है वो जगह। तो भाई अभी खा रहे हैं मैगी, जो भैया जी थे ना दुकान वाले वो सामने खड़े हैं, उन्होंने हमें मैगी बना के दे दी, हमने पैकेट दे दिया, मैंने कहा बना के आप ही दे दो, उन्होंने प्याज व्याज डाल के मस्त सी फर्स्ट क्लास मैगी बना दी, मैगी खाएंगे, कैसी बनी है? बहुत ही मस्त ना, चलो जी खाते हैं, ये बनानी पड़ती, भैया ने बना के दे दी, थैंक यू जी, थैंक यू भैया जी, थैंक यू। तो दोस्तों हमने यहाँ पे टेंट लगाए हैं और ये यहाँ पे मुस्तफ़ा ने लगाया है, ये दुकान है सामने, दुकान के साइड में यहाँ साइकिलें लगा दी, अंदर तो हमें रहने की जगह नहीं मिली, बात करी थी भैया ने, तो अभी यहाँ बाहर टेंट लगा लिए, यहीं पे रुकेंगे। तो चलिए ठीक है गाइज, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय, जय शंकर, जय भोलेनाथ, बाय बाय।